हाय स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप हमारी पिछली वीडियो में देख रहे थे, हमने पिछली वीडियो में हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ा, जिसमें लाहौल और किन्नौर जिले के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ा। तो आज जो हम चंबा जिला के लोक नृत्यों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य और फिर चंबा जिला के लोक नृत्य। सबसे पहले बात करेंगे तो फिर चंबा का घरेई नृत्य। घरेई नृत्य ये जो है चंबा जिला के, चंबा जिला में ही पारंपरिक नृत्य में केवल स्त्रियां ही नाचती हैं। यह नृत्य विवाह, मेला एवं जात्रों के साथ ज्यादातर लोग करते हैं। ठीक है, चंबा के, ठीक है, इस पारंपरिक नृत्य नृत्य में केवल स्त्रियां ही नाचती हैं। ठीक है, विशेष तौर पे कौन से होते हैं और नृत्य विवाह, यह कर देते हैं। यह नृत्य विवाह, ठीक है, विवाह में ये नृत्य करते हैं, मेलों जात्रों, ठीक है। सेकंड वाला गद्दी नृत्य, गद्दी नृत्य, गद्दी नृत्य जो है ये भी चंबा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मैं बात कर रहा हूँ गद्दी नृत्य की, ठीक है, बात कर रहा हूँ गद्दी नृत्य की। यह नृत्य भी चंबा जिले का ही है। गद्दी पुरुष यह नृत्य करते हैं, गद्दी पुरुष, ठीक है, गद्दी पुरुष, ओह सॉरी, पुरुष नृत्य को करते हैं, ठीक है। और गदने जो गद्दी ने गदने होती है, ठीक है, महिलाएं गदने गीत गाती हैं, महिला गदने गाती हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। अगला है किकली नृत्य, किकली नृत्य पंजाब से लगते क्षेत्रों में, ये जो चंबा का जो पंजाब से लगता हुआ वहां पे जो है किकली नृत्य किया जाता है, ठीक है। डंगी नृत्य, ठीक है, डंगी नृत्य ये जो गद्दी क्षेत्र का स्त्री नृत्य है, क्या ये स्त्री नृत्य,
है, तो आपने ध्यान देना है। गद में खाली पंक्तियां तथा वृत्ताकार नाचती हैं, ठीक है। नाचती है यह भरमौर एवं छतरी में प्रसिद्ध थी, छतराड़ी में। यह कहाँ है? भरमौर ठीक है में प्रसिद्ध है। तो मैं बात कर रहा था, तुमने बता रहा था किकली नृत्य पंजाब से लगता वह क्षेत्र है जहाँ पे जो किकली नृत्य चंबा में किया जाता है। दूसरा है डंगी नृत्य, गद्दी क्षेत्र का स्त्री नृत्य, गद्दी खड़ी पंक्ति या वृत्ताकार नाचती है, ठीक है। और यह भरमौर छतराली में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, गद्दी कर देना। ठीक है, अगला हमारी डेपेक, डेपक नृत्य। अगला है डेपक नृत्य, ये छतराड़ी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? छतराड़ी का। छतराड़ी का प्रसिद्ध नृत्य, ठीक है। तो आपने याद रखना है झांझर, ये बहुत बार पूछा जाता है झांझर नृत्य कहाँ का है, ठीक है। ये भी चंबा का है, कहाँ का है? चंबा का है, ठीक है। ध्यान रखना है आप लोगों ने, इसको थोड़ा सा करता हूँ। अगला झांकी और हांतर, ठीक है। यह पांगी घाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ? पांगी, पांगी घाटी का। अगला सेन नृत्य, सेन नृत्य यह पांगी घाटी का प्रसिद्ध है, जिसे भूत प्रेतों को भगाने के लिए किया जाता है। पांगी घाटी का जिसे भूत प्रेतों को दूर करने करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, इसको पूछा जाता है बहुत बार। पंगवाल नृत्य, लास्ट अमर पंगवाल, पंगवाल नृत्य, ठीक है। पंगवाल नृत्य पांगी क्षेत्र का, ये अभी पांगी क्षेत्र का, ये भगवान नृत्य जो है ये भी पांगी क्षेत्र का ही है। ये
यन रीते पुरुष या दिन में, पुरुष कब कहते हैं, पुरुष दिन में और स्त्रियां जो है ये हमारा ये नृत्य जो है सांझ ढलने पर, ठीक है। सांझ ढलने पर सांझ ढलने नृत्य के बारे में, तो पहला है कड़थी, पहला है कड़थी, पहला लोक नृत्य है कड़थी, ठीक है। ये कुल्लू का भी रस प्रधान लोक नृत्य क्या है, कुल्लू का वीर रस प्रधान नृत्य, ठीक है। पहला जो था, दूसरी खड़ यात्रा, ठीक है, खड़ियात्र जिसे बोलते हैं, खड़ियात्र, ठीक है। ये कुल्लू का धार्मिक वीर रस प्रधान लोक नृत्य है, ठीक है। कुल्लू का धार्मिक वीर रस का, धार्मिक वीर प्रधान रस, याद रखना है हमें। अगला है लालहड़ी, यह कुल्लू का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, क्या ये जो है कुल्लू का प्रसिद्ध लोक नृत्य, याद रखना है आप लोगों ने। रुझका ढीली नाट्य, यह कुल्लू की मंद गति से डाली जाने वाली नाटी है, कुल्लू की मंद गति से डाले जाने वाली नाटी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। अगली है सुवांगटे की नृत्य, सुवांग रेगी नृत्य, ठीक है। यह कुल्लू दशहरे पर सुवांगटे की नृत्य से वह बाघ के का लड़की का जो मुखोटापन का किया जाता है, बोलने के मतलब कुल्लू के दशहरे पर सुवांग टेगी नृत्य शेर या बाघ का लकड़ी का जो एक मुखौटा बनाया होता है उसे पहन के किया जाता है, ठीक है। कुल्लू के दशहरे में, कुल्लू के दशहरे में, ठीक है, में एरिया बाघ का लकड़ी का बना मुखौटा, ठीक है।
किया जाता है। अगला है द्रोणी तथा द्रवेणी नृत्य। लास्ट हमारा द्रोणी द्रोणी तथा द्रवेणी देव नृत्य, जिसे जागरण या साधके से अवसर किया जाता है। ठीक है, देव नृत्य, देव नृत्य, देव नृत्य। ठीक है, जिसे जागरण या साध पर या साध पर आयोजित किया जाता है। आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कुल्लू जिले का और चंबा जिले के आज हमारे लोक नृत्य हुए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Yeah.